ओवरऑल इसकी जो क्वालिटी है या फिर इसका जो ओवरऑल बिल्ड वगैरह है काफी प्रीमियम लगता है इसे प्राइस वगैरह देख के। एंड मुझे इसे एक चीज पसंद नहीं है जो कि इसका सो वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं टेक्नो टीवी। एंड यहाँ पर मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G है जो कि मेरे फ्रेंड ने परचेस किया था। एंड इस वीडियो में आपका इसका एक रिव्यू वगैरह देने वाला हूँ कि इसका जो यूज वगैरह कैसे है। पर जो कलर मेरे पास वो है क्लाउड नेवी जो कि देखने में काफी प्रीमियम लगता है। यहाँ पर आपको सैमसंग का लोगो मिलता है एंड इसका ट्रिपल कैमरा सेटअप, जहाँ पर जो मेन कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का, एक अल्ट्रा वाइड एंगल वो भी है 12 मेगापिक्सल का। यहाँ पर आप देखो एक टेलीफोटो मिलता है जो कि 8 मेगापिक्सल का, ये है इसका फ्लैश। एंड बात करते हैं बटन्स वगैरह की, यहाँ पर आपको देखिए सर लॉक अनलॉक का बटन मिलता है एंड ये इसके वॉल्यूम रॉकर्स। एंड इसका जो फ्रेम है यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम का फ्रेम मिलता है जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक देता है इसको। एंड बात करते हैं डाउन साइड में, आपको देखिए यहाँ पर एंटीना बैंड्स वगैरह मिलते हैं, ये इसका स्पीकर है। एंड यहाँ पर आपको देखिए टाइप सी का सा चार्जिंग पोर्ट मिलता है, ये इसका माइक। यहाँ पर आपको देखिए एक फ्लैट सरफेस है एंड यहाँ पर आपको टॉप में इसका जो सिम कार्ड वगैरह का स्लॉट वगैरह है, तो इसके अंदर आप दो सिम कार्ड एंड या फिर एक सिम कार्ड एक SD कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो मैं डेफिनेटली काफ़ी खुश हूँ कि सैमसंग ने इसके अंदर आपको एक्सपेंडेबल का ऑप्शन दिया है। यह इसका सेकेंडरी माइक, यहाँ पर आपको मिलता है एंटीना बैंड्स, तो कुछ इस तरह इसका फॉर्म फैक्टर है। एंड बात करते हैं फ्रंट में, तो आपको मिलता है 6.5 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले एंड इसकी जो हर्ट्स वगैरह है 120 हर्ट्स है। एंड जो डिस्प्ले की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। एंड बात करें इसमें फ्रीक्वेंसी वगैरह, यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन मिलता है, एक है स्टैंडर्ड 60 का एंड एक है 120 हर्ट्स का। एंड यहाँ पर आपको देखिए मैं इसको एक 60 पे करके दिखाता हूँ, तो डेफिनेटली इसकी जो स्मूथनेस वगैरह है काफ़ी कम हो जाती है। बट आप जैसे इसको 120 हर्ट्ज़ पे शिफ्ट करेंगे इसकी जो स्मूथनेस वगैरह है काफ़ी अच्छी लगती है। एंड जो फोन का ओवरऑल जो UI वगैरह है काफ़ी स्मूथ हो जाता है। एंड अगर बात करें इसमें डिस्प्ले में एक्स्ट्रा फीचर वगैरह की, तो इसका जो डिस्प्ले है काफ़ी ब्राइट हो जाता है आउटडोर वगैरह में। बात करें डिस्प्ले सपोर्ट वगैरह की, तो आपको मिलता है HDR10+ का सपोर्ट जो कि काफ़ी अच्छा है ये प्राइस रेंज में। एंड इसकी जो प्राइस वगैरह है अभी अमेजोन पे अराउंड 30-34,000 में। एंड बात करें इसमें कैमरा वगैरह की, तो हमारा बैक में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है एंड डेफिनेटली तीनों ही कैमरा वर्किंग है एंड जो इसकी जो क्वालिटी वगैरह है काफ़ी प्रॉमिसिंग है। ऑब्वियसली ये सैमसंग का S20 मतलब फ्लैगशिप सीरीज है, तो डेफिनेटली इससे कैमरा वगैरह में कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं है। एंड बात करें इसमें ओवरऑल UI वगैरह की, तो आपको 1 UI मिलता है एंड इसके अंदर आपको एंड्रॉइड 13 तक का अपडेट मिलेगा। तो मेरा अभी फोन है वो है 1 UI 4.1 पे, एंड्रॉइड 12 बेस्ड है। ओवरऑल जो इसका यूजेस वगैरह है काफ़ी अच्छा है। एंड बात करें इसमें स्टोरेज वगैरह की, तो यहाँ पर जो वेरियंट है मेरे पास वो है 128 GB। एंड बात करें इसमें रैम वगैरह की, तो यहाँ पर मेरे पास जो वेरियंट है 8 GB रैम के साथ है, तो 8 GB रैम काफ़ी इनफ होता है ये टाइम यूज़ करने के लिए। मोस्ट ऑफ द जो ऐप वगैरह है बहुत ही ईजिली हैंडल हो जाते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं अराउंड अभी 3.6 GB अवेलेबल है। एंड मैं यहाँ इसको क्लीन भी करता हूँ तो आपको इसमें और भी ज़्यादा स्पेस वगैरह मिल जाएगा रैम वगैरह में। तो रैम के मामले में काफ़ी सफिशियंट फ़ोन है ये। ये देखिए आपको अराउंड 4 GB रैम मिलता है फ्री वो भी। एंड बात करें इसमें प्रोसेसर वगैरह की, तो यहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 865 5G प्रोसेसर है वो। एंड इसका जो S20 FE पुराने एडिशन आता था उसके अंदर आपको मिलता था एक्सोनोस का प्रोसेसर जो कि 5G सपोर्ट नहीं करता था, बट यहाँ पर जो S20 FE 5G है इसके अंदर आपको 5G सपोर्ट मिलता है। एंड जो स्नैपड्रैगन 865 का परफॉर्मेंस वगैरह है काफ़ी अच्छा है, वो भी एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है, तो डेफिनेटली उसका जो प्रेफरेंस वगैरह है काफ़ी अच्छा मिलने वाला है आपको। एंड बात करें इसमें सिक्योरिटी वगैरह की, तो यहाँ पर आपको देखिए ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है एंड इसमें आप फेस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार चलिए मैं इस अंदर अपना फेस वगैरह आपको रजिस्टर दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक नॉर्मल सोच करता हूँ सेटअप, कुछ इस तरह सा सेटअप वगैरह है एंड अपने फेस वगैरह करता हूँ रजिस्टर। एंड इससे तो फेस अनलॉक है काफ़ी फास्ट एंड काफ़ी एक्यूरेट वर्क करता है। मैं आपको इसको लॉक कर दिखाता हूँ, तो मैंने फोन कर दिया लॉक एंड यहाँ से मैं आपको फेस को दिखाता हूँ, ये देखिए इंस्टेंट अनलॉक हो जाता है। एंड एक बार मैं आपको इसके अंदर इसका जो बायोमेट्रिक है जो कि इसका फिंगरप्रिंट है ऑप्टिकल है, तो एक बार उसको मैं यहाँ पर ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। तो इसको जो फिंगरप्रिंट को मैं यहाँ पर रजिस्टर कर लिया हूँ एंड मैं इसका करता होल्ड, ये देखिए मैं आपको इसको फिर से करके दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए। तो इसका जो अनलॉक वगैरह है काफ़ी ईजी है, यहाँ पर टच किया मैंने और देखिए इंस्टेंट अनलॉक हो जाता है। मैं आपको वापस करके दिखाता हूँ, ये देखिए। एंड अगर आपका डिस्प्ले बंद भी है तो भी आप इसको अनलॉक कर सकते हैं, सिंपली आपको यहाँ पे इसको प्रेस करना है, ये देखिए। तो इसका जो फिंगरप्रिंट वगैरह है काफ़ी एक्यूरेट वर्क करता है एंड इसकी जो मतलब स्पीड वगैरह है काफ़ी अच्छी लगी मुझे। एंड ओवरऑल इसका जो UI वगैरह है काफ़ी स्मूथ है, देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी लॉन्च करूँगा तो इसका जो UI वगैरह है या फिर इसका जो ओवरऑल इंटरफेस वगैरह है बहुत ही स्मूथ लगता है, ये देखिए। एंड यहाँ पर आपको दो स्पीकर मिलते हैं, एक डाउन साइड में एंड यहाँ पर एक टॉप में। एंड इसका जो ट्यून वगैरह है वो ट्यून बाय AKG है जो कि एक बहुत ही रिनोव ब्रांड है साउंड या फिर ऑडियो क्वालिटी के मामले में। तो चलिए इसके अंदर अपना एक यूट्यूब का वीडियो प्ले करता हूँ जिससे आपको इसको जो स्पीकर की जो ऑडियो क्वालिटी है उसका आइडिया मिल जाएगा। चलिए इसके अंदर अपना एक यूट्यूब का वीडियो प्ले करता हूँ।
इसके अंदर आपको मिल रहा है डॉल्बी ऑटोमा सपोर्ट, ये देखिए। तो चलिए मैं इसका एक बार आपको चेंज कर दिखाता हूँ। तो यहाँ से इसको करता हूँ मैं म्यूजिक पे, जैसे आपने इसका ऑडियो क्वालिटी सुना एंड इसका जो बेस वगैरह है मुझे काफी पसंद आया। एंड बाकी इसमें वोकल्स वगैरह की, तो अगर आप इसको अराउंड 80 या 85 के अब भी प्ले करते हैं। बाद में से स्पीकर वगैरह की देखो, जो मोस्टली मोस्ट ऑफ द साउंड है बेस वगैरह, इसके डाउन फायरिंग स्पीकर आता है, मतलब 60% वॉल्यूम यहाँ से आता है एंड 40% वॉल्यूम से टॉप फायरिंग स्पीकर से। एंड बात करते हैं इसमें कैमरा वगैरह की, तो आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलता है। एंड इसके अंदर मैं इसे डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ पर्टिकुलर इसके जो कैमरा से, एंड उसके लिए मैं इसको प्लीज सब्सक्राइब करें। इसके अंदर आपको मैं इसका जो भी कैमरा मोड्स वगैरह है या फिर इसकी जो ओवरऑल सेटिंग्स वगैरह है मैं बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं जो प्लीज सब्सक्राइब करें। एंड बात करें इसमें आईपी रेटिंग वगैरह की, तो आपको मिलती है IP68 की रेटिंग एंड आप इसको 1.5 मीटर से 30 मिनट आप इसको वाटर के अंदर सबमर्ज कर बात सकते करते हैं। हैं इसमें बैटरी वगैरह की, आपको मिलती है 4500 mAh की बैटरी। एंड यहाँ पर आप मेरे यूजेस वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा इसका जो बैकअप वगैरह है। एंड बात करते हैं इसमें वायरलेस चार्जिंग वगैरह की, तो यार आपको देखिए वायरलेस चार्जिंग मिलता है साथ में रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, तो यहाँ से आपको इसको ऑन करना होगा। एंड अगर बस कोई भी स्मार्टफोन है या फिर आपके पास यहाँ पर सैमसंग का बड वगैरह है तो आप यहाँ पर इसको बैक साइड में रख के इसको चार्ज वगैरह कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड बात करें इसमें वायरलेस चार्जिंग की, जो वाट वगैरह की वो है 15 वाट की। एंड यहाँ पर जो रिवर्स चार्जिंग है उसकी जो वाट है 4.5 वाट है। एंड यहाँ पर आपको देखिए एक टाइप सी का पोर्ट मिलता है जिसके अंदर आप इसको 25 वाट तक चार्ज कर सकते हैं। एंड ओवरऑल इसकी जो फील वगैरह है काफ़ी प्रीमियम है, इसको मैं जितना भी यूज़ कर रहा हूँ सर, जो बैटरी बैकअप आराम से एक दिन चल जाता है मॉडरेट यूज़ पे। अगर आप इसको गेमिंग वगैरह भी यूज़ करना चाहते आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं सर, जो प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल है स्नैपड्रैगन का। ओवरऑल इसकी जो क्वालिटी है फिर जो नेटवर्क रिसेप्शन वगैरह है बहुत ही बढ़िया है, आपको इसमें कॉल वगैरह में कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आती है। एंड मुझे तो अभी इसमें कोई भी ऐसा नेटवर्क इशू वगैरह फेस नहीं हुआ है। ओवरऑल इसकी जो क्वालिटी है या फिर इसका जो ओवरऑल बिल्ड वगैरह है काफ़ी प्रीमियम लगता है इसे प्राइस वगैरह देख के। एंड मुझे इसे एक चीज़ पसंद नहीं है जो कि इसका हैप्टिक फीडबैक है, तो इसका जो हैप्टिक फीडबैक उतना अच्छा नहीं लगा मुझे। ओवरऑल इसकी जो क्वालिटी वगैरह है फ़ोन की डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया है। एंड मैं होप करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो लाइक करें, एंड ऐसे कंटेंट फ्यूचर में देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे कनेक्टेड।